ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को लेकर कई अध्ययन किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अध्ययन गढ़वाल विश्वविद्यालय का हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिशियोलॉजी रिसर्च सेंटर कर रहा है, जिसमें वैज्ञानिक ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि 2030 में मेडिसिनल प्लांट्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर पड़ेगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने 11,000 फीट की ऊंचाई पर तुंगनाथ अल्पाइन रीजन में 3 ओपन चैम्बर बनाए हैं और इन ओपन चैम्बर में अल्पाइन रीजन में पाए जाने वाले मेडिसिनल प्लांट्स को लगाया गया है। क्लाइमेट चेंज का अभी जो मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब है। तो इसके लिए हमने जो अल्पाइन हमारा शोध स्टेशन है तुंगनाथ में, वहाँ पर हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले इस टाइम में प्लांट्स पे या फिर वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए हमने 3 ओपन टॉप चैम्बर्स बनाए थे जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसको हम बढ़ा रहे हैं ताकि प्लांट पे देख सके आने वाले टाइम में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो इन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको हमने किया था तुंगनाथ में ये पूरे स्टडी। अभी की बात करें तो ग्लोबली करीब 440 ppm कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जो हर साल 2 ppm की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने तुंगनाथ घाटी में बनाए 3 ओपन चैम्बर्स में अतीस, मीठा, चोरू और जटामासी जैसे मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और इन पौधों पर 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी रोजाना 600 ppm कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही थी, जिसके डेटा का हर रोज अध्ययन किया जा रहा था। ऐसे में इस रिसर्च में सामने आया है कि कार्बन उत्सर्जन के कारण इन मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ तो नॉर्मल हो रही है, लेकिन इनकी मेडिसिनल क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण इन प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होना है। अगर प्लांट के केस में देखें तो 3 टाइप्स आप बोलोगे, एक फिजियोलॉजी मतलब कि आंतरिक क्या चेंजेज आ रहे हैं, एक बाहर आपका विजुअल जो मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में ग्रोथ में क्या असर पड़ रहा है वो सब है। तो ग्रोथ में देखें तो हम प्लांट जैसे अल्पाइन के प्लांट्स हैं, मीठा बीस है, अतीस है, तो इनकी ग्रोथ तो बढ़ रही है, CO2 की वजह से ग्रोथ तो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर हम बायोकेमिकल की बात करें जो इसमें कंटेंट होता है जिसकी वजह से इनकी औषधीय गुणवत्ता है, तो वो कंटेंट धीरे धीरे हमारा इन प्लांट्स में कम हो रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि प्लांट में नाइट्रोजन की कमी हो रही है और उसकी वजह से आपका जो लीफ है, जो पत्तियाँ हैं, उसमें भी नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिशियोलॉजी रिसर्च सेंटर के अध्ययन से एक बात तो साफ है कि यदि जल्द ही हमने प्रकृति के साथ खेलना बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें इसके भयानक परिणाम भुगतने होंगे। शोध में चौंकाने वाले जो परिणाम सामने आए हैं वो भविष्य के लिए हमें अभी से आगाह कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर गढ़वाल से विनय भट्ट की रिपोर्ट।